गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप जहां पे होंगे मचा रहे होंगे। तो जी अपनी लद्दाख राइड प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो जी आज की वीडियो में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं मैं अपने साथ राइड पे क्या क्या चीजें कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी अगर आप लोग भी लद्दाख या फिर अदर स्पीति वगैरह नेपाल वगैरह मतलब एक्सट्रीम लेवल राइड पे जा रहे हो तो क्या क्या चीजें आप लोग के पास होने चाहिए, स्पेशली फॉर लद्दाख वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए अब आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या चीजें हम कैरी कर रहे हैं। अगर इसमें कोई छूट रहा हो आप लोग के हिसाब से तो आप लोग प्लीज सजेस्ट कर सकते हो। अभी हम रास्ते में ही है, यानी कि दिल्ली में पहुंच कर ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम उसको परचेज कर लेंगे और अपने साथ कैरी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये वो जरूरी सामान है जिनको हम अपने लद्दाख राइड के लिए कैरी कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आप लोग को सभी सामान के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले तो जी अगर आप लोग बाइक से जा रहे हो ना, तो बाइक आपकी वेल सर्विस होनी चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। जब भी आप लोग जिस भी डेट को लद्दाख राइड के लिए निकल रहे हो उसके 5-10 दिन पहले आप लोग अपनी बाइक को फुली सर्विस करवा लेना। तो एक बात हो गई, बाइक आपकी फुल सर्विस होनी चाहिए, साथ ही सेफ्टी वाइज आपको क्या क्या कैरी करना है वे तो भाई बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक बढ़िया राइडिंग जैकेट होना चाहिए, जैसे मेरे पास रॉयल इनफील्ड का है, तो आप लोग किसी अदर कंपनी का भी अपने हिसाब से परचेज कर लेना, लेकिन राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट आप लोग अपने साथ कैरी जरूर करना। मान लीजिए बाय चांस आपके पास राइडिंग पैंट नहीं आप परचेज कर पा रहे हो, उतना पैसा नहीं है, तो फिर मेरी तरह आप लोग ये नी गार्ड जरूर रख लेना। नी गार्ड भाई ये राइनॉक्स का ही लेना, मैं पिछली राइड पे कल्पेश्वर वाले राइड पे गिरा था तो ये निगार्ड ही जो था मुझे बचा लिया था और मेरा घुटना बिल्कुल सेफ रहा, कोई एक खरोच भी नहीं आई थी। तो निगार्ड बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग इसे ज़रूर कैरी करना अगर आपके पास राइडिंग पैंट नहीं है। इसके साथ ही आप लोग बढ़िया क्वालिटी का एक राइडिंग बूट्स भी ले लेना, जैसे कि मेरे पास ओराजो का है। ओराजो का लेने का बेनिफिट ये हो जाता है ना कि ये ट्रैकिंग और राइडिंग दोनों में ही काम आता है, प्लस अगर आप लोग इसको पहनकर नॉर्मल भी पैदल चलते हो तो भी आपके पैर वगैरह दर्द नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं इसको कैरी करता हूं क्योंकि एक बूट से मेरा 3 काम हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा शूज कैरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप लोग अपने साथ एक ग्लव्स भी बढ़िया जरूर कैरी करना, जैसे कि मैं राइनॉक्स का कैरी कर पहनता हूँ, तो इसको भी आप लोग जरूर लेके जाना, पहनना मतलब लेके नहीं जाना है आपको पहनना भी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सेफ्टी वाइज अगर आप लोग बाइक से जा रहे हो। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जरूर पड़ेगी अगर आप बाइक से जा रहे हो, तो मतलब बाइक में क्या क्या चीज़ें खराब भी होती हैं। अक्सर मैंने कई सारे लोगों के द्वारा सुना हुआ है जो लद्दाख गए हुए हैं, तो उन्होंने बताया है कि थ्रोटल वायर यानी कि एक्सलेटर वायर और क्लच वायर अक्सर टूट जाते हैं। तो आपकी जो भी कंपनी का बाइक हो उसके सर्विस सेंटर से जाकर आप थ्रोटल वायर और क्लच वायर परचेज कर लेना। साथ ही एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसको आप लोग परचेज जरूर करना, यह है स्पार्क प्लग। इसको तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये है जी स्पार्क प्लग, इसको आप लोग जरूर कैरी करना क्योंकि ये तो मस्ट एसेंशियल है और मैंने अपने बाइक में नया लगवाया और पुराना वाला इसको कैरी कर लिया। तो स्पार्क प्लग के साथ ही आप लोग अपने साथ ब्रेक पैड भी जरूर कैरी करना क्योंकि वहाँ पे आपको बार बार ब्रेक मारना होता तो ब्रेक पैड जो होता है वो घिसने लगता है। तो मैंने अपने बाइक में भी तुरंत ही लगवाया जब सर्विस करवाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है, कैसे मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई और क्या क्या चीज़ें ऐड करवाई अपने बाइक में। इसके साथ ही अगर आप लोग बाइक राइड कर रहे हो ना, तो आपके पास चैन लुब्रिकेंट एंड क्लीनर जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने रॉयल इनफील्ड का खरीदा हुआ है, आप लोग किसी भी कंपनी का, लेकिन रख जरूर लेना। हर 400-500 किलोमीटर पर आपको चैन ल्यूब एंड क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो भाई चैन वगैरह टूटने की भी मैंने कई सारे केसेस सुने हुए हैं। साथ ही बाइक तो पंचर होती है भाई, मान लीजिए इन केस बाइक पंचर हो जाए तो वहाँ पे लद्दाख में दूर दूर तक बाइक पंचर की दुकान आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको ये पंचर किट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसको मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो मंगाना तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मंगा सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, पिछली राइड में मैंने खरीदा था लोकल से ही, लेकिन वो एक बार में ही टूट गया था। इसके साथ ही हवा भरने के लिए आप लोग ये एमआई का बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसको पिछले 3-4 राइड से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एमआई का पंप आप लोग इसको यूज कर सकते हो और इसको चार्ज बस करना होता है, बस बैटरी वगैरह में जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस चार्ज करिए, इसके बाद फिर ये यहाँ से निकाल कर आप लोग लगाइए। आपको बताते हैं कि
भाई मेडिकल आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना जरूर चाहिए। एक साथ ही आप अपने साथ बंजी भी जरूर कैरी कर लेना भाई, बांधने के लिए मैंने 4 कैरी किया हुआ है। ओके, तो मेडिकल में अगर आपके आपको कोई ज़रूरी दवाएं चलती हो वो तो आप कैरी करना ही, साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो भाई ऑक्सीजन केन आप लोग ज़रूर कैरी करना। जैसे कि ये मैंने परचेज कर लिया है ऑक्सी प्लस का, तो आप लोग भी कोई भी परचेज कर सकते हो किसी भी कंपनी का, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन केन जरूर होना चाहिए। जैसे कि लद्दाख के लेह के अलावा लेह में भी ऑक्सीजन की कमी होती है, इसके साथ ही खारदुंगला पेंगोंग जा रहे हैं तो उधर तो बहुत ही ज़रूरी रहता है, ऑक्सीजन कमी मोस्टली लोगों को हो जाती है, तो आपके साथ ऑक्सीजन केन जरूर होना चाहिए। साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मैं अपने साथ कैरी करता हूँ जी ये हाइड्रेशन पाउडर, ये डिकैथलॉन से मिल जाता है बड़े इजीली, इसको आप परचेज करते गर्म पानी या ठंडे पानी में आप मिला के पीजिए, आप बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होंगे। साथ ही एक चीज़ और मैं पिछले 2-3 राइड से कैरी कर रहा हूँ, ये है हर्बल लाइफ का अफ्रेश, इसको भी आप लोग कैरी कर सकते हो, क्योंकि भाई इसको अगर आप सुबह सुबह अगर गर्म पानी में पियोगे ना तो आपकी नींद मतलब चुटकियों में भाग जाएगी और दिन भर आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और रिफ्रेशमेंट बना रहेगा। तो इसको तो मैंने 2-3 राइड पे ट्राई किया हुआ है, मतलब बहुत मस्त चीज़ है। साथ ही इसको भी हाइड्रेशन पाउडर भी आप कैरी कर सकते हो, या फिर जैसे कि एनर्जॉल वगैरह होता है इसकी जगह पे, उसको भी आप लोग कैरी कर सकते हो अगर आपको ये न मिल पाए डीकैथलॉन का। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स भी आप लोग अपने साथ रख सकना, जिसमें मतलब एक पट्टी हो, रुई वगैरह हो, ये सब आप लोग कैरी कर सकते हो। और मास्क रख लेना, सैनिटाइजर रख लेना, इसके साथ ही मुंह वगैरह भी रख लेना। इसके साथ ही एक चीज़ और जो मैं आप लोग को कहूँगा कि ज़रूर कैरी करना, वो है जी ये बेटाडीन लिक्विड। अगर बाय चांस कभी भी खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन बाइक गिरती है या फिर आप गिरते हो, किसी प्रकार का रोड एक्सीडेंट होता है, तो उसमें सबसे बड़ा रामबाण जो तुरंत का तुरंत काम करता है वो है बेटाडीन, तो इसको तो आप लोग ज़रूर कैरी करना है। इसके साथ ही ये एक चीज़ और मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, ये है जी डीकैथलॉन से का एक मसाजर। ये देखिए, इसको आप लोग ऐसे प्रेस कर दोगे ना, इसके बाद फिर आप लोग मसाज करिए, बहुत छोटा सा है, आराम से कैरेबल है, आप लोग इसको कैरी कर सकते हो। साथ ही आप अपने साथ गर्म पट्टी भी कैरी कर सकते हो, अगर बाय चांस आपको पहले से कोई चोट वगैरह हो ना, तो वो ठंडियों में जाने के बाद थोड़ा सा दर्द वर्द करता है, अगर आपका हो तो फिर आप कैरी कर सकते हो, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। अब आप लोग को बता देते हैं मतलब कैमरा गियर्स तो आप लोग अपने हिसाब से ले जा सकते हो, जो भी आपके पास हो। अगर आप लोग ब्लॉगर या फिर फोटोग्राफर नहीं हो तो नॉर्मल कोई भी कैमरा मोबाइल आप लोग ले जा सकते हो, लेकिन भाई मैं अपने साथ क्या कैरी कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास है ये GoPro है ना, हेलमेट तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हेलमेट तो भाई ज़रूरी है, सभी कैरी लगा के जाते हैं। तो GoPro का एसेसरीज, जितनी भी GoPro की एसेसरीज है वो इस बॉक्स में है, प्लस ये GoPro का एक ट्राईपॉड है, ये भी मैंने GoPro का ही परचेज किया हुआ है, इसको साथ ही एक और ट्राईपॉड मैं अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ। इसके साथ ही मोबाइल से ब्लॉग बनाने के लिए कभी कभी मोबाइल का भी ज़रूरत पड़ जाता है, तो यहाँ पे मोबाइल का ट्राईपॉड और माइक मैं अपने साथ रखा हूँ, साथ ही 2 अदर माइक भी मैंने रखे हुए हैं एक्स्ट्रा। इसके साथ ही ईयरफोन्स, ये GoPro का बैटरी एंड चार्जर, और आपके पास ये भी होना चाहिए पावर बैंक, ये मेरा 10,000 mAh का, बट अगर आप 20,000 mAh का लेते हो तो बेस्ट रहेगा, है ना। इसके साथ ही आपके पास हार्ड डिस्क भी होना चाहिए, क्योंकि इतने सारा डेटा हो जाते हैं, अगर आप वीडियो शूट करते हो तो फिर हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ ही जाती है। साथ ही लैपटॉप भी आप लोग अपने साथ कैरी करना डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ओके, लगभग मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी, अब रह गई है डेली यूजेज की चीज़ें, है ना, तो उनको भी आप कैरी कर सकते हो। जैसे कि सनग्लासेस है, इसको भी आप लोग ज़रूर कैरी करना, चाहे ब्रांडेड हो या फिर विदाउट ब्रांडेड। इसके साथ ही आप लोग अपने साथ एक लाइटर भी रख सकते हो, ये मतलब लाइटर भाई सिर्फ सिगरेट पीने के ही नहीं काम आता, बहुत आप लेके जाओगे ना तो आपको खुद ही काम पड़ जाएगा। ओके, इसके साथ ही आप अपने साथ एक कोई भी सेलो टेप या फिर टेप आप लोग अपने साथ रख सकते हो, जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो फिर GoPro को ही वाटरप्रूफ बनाने में काम आ जाता है, साथ ही कुछ और भी चीज़ों के लिए काम आता ही रहेगा। साथ ही आप लोग अगर आपके बैग में भाई रेन कवर नहीं है तो आप रेन कवर भी परचेज और कैरी कर सकते हो, साथ ही एक्स्ट्रा
ग्लव्स भी आप रख सकते हो, दस्ताने वगैरह, क्योंकि ठंडियों में ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही आप देख रहे हो मतलब डेली यूजेज की चीज़ें हैं कि एक आप मिल्टन की मतलब किसी भी कंपनी की आप थर्मल स्टील बॉटल आप लोग जरूर रख लेना। साथ ही कंघी, अगर जैसे कि अगर आप होटल वगैरह में नहीं रुकते हो, कैंपिंग वगैरह करते हो, तो कंघी और मिरर वगैरह भी रख लेना, वहाँ पे आप लोग को तो मिलेगा ही नहीं। होम स्टे में रुकते हो तो भी वहाँ पे कोई ऐसा मतलब लग्जरी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है ना। इसके साथ ही आप अपने साथ टूथपेस्ट जरूर करना, साथ ही टूथब्रश, टंग क्लीनर, साथ ही आप अपने साथ डीओ भी कैरी कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ इस बार, वो है जी विजिटिंग कार्ड। ये मैंने 300 बनवाए हुए हैं, क्योंकि हर राइड पे जहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं होते तो लोग पूछते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये विजिटिंग कार्ड रख ली बनवा लिया है, बस तुरंत के तुरंत थमा देंगे। और जी अगर आप लोग किताब पढ़ने के शौकीन हो तो आप लोग अपने साथ राहुल संकृत्यायन का घुमक्कड़ सास जरूर रख सकते हो, या फिर कोई भी बुक आपको जो अच्छी लगती हो वो आप लोग रख सकते हो, क्योंकि किताबें असली जीवन का साथी होती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो भाई राहुल संकेत्यायन जी को अपना गुरु मानता हूँ, तो इसी वजह से घुमक्कड़ शास्त्र पढ़ता रहता हूँ, मैंने 2-3 बार पढ़ डाली है, क्योंकि उन्होंने ही बोला है, उनकी एक लाइन से मैं हमेशा प्रेरित होता रहता हूँ, मोटिवेट होता रहता हूँ। दुनिया की सैर कर गाफिल, दुनिया की सैर कर गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, अगर रही जिंदगानी तो फिर नौजवानी फिर कहाँ। इसके साथ ही एक लाइन और बोलना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में, कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत को बेकरार है। तो जी मैंने आप लोग को जितनी भी चीज़ें मैं कैरी कर रहा हूँ वो आपको बता दिया, फिर भी अगर इसमें कुछ छूट रहा हो आपके हिसाब से तो अभी भी टाइम है, अभी भी मैं लद्दाख पहुँचा नहीं हूँ, मतलब अभी रास्ते में ही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने लद्दाख ट्रिप किया, या फिर आपको लगता है इसमें कोई चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, हम उसको भी रास्ते में परचेज कर लेंगे और कैरी कर लेंगे। फ्रेंड्स साथ ही कुछ चीज़ें छूट रहे थे तो मैं अभी आपको इसको भी बता देता हूँ, ये है वेस्ट पाउच, इसको आप लोग ज़रूर कैरी कर लेना, इसको भी डिकैथलॉन से आप परचेज कर सकते हो, है ना। इसमें आप लोग जो भी इसेंशियल चीज़ें ट्रैकिंग या फिर राइडिंग के दौरान होती हैं छोटी मोटी, इसको आप लोग इसमें रख सकते हो। इसको रखने से एक फ़ायदा होना कि मतलब कि बाद में बैग वगैरह से निकालने में पूरा सब कुछ खोलना पड़ेगा, यहाँ पर रहेगी तो आराम से फट से आप लोग निकाल सकते हो। साथ ही यहाँ पर ऑक्सीमीटर भी मैं रख रहा हूँ, क्योंकि कभी भी आपके मतलब ऑक्सीजन की थोड़ा मोड़ा भी लगे कि ऑक्सीजन कमी हो तो इससे आप चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, ये है थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, इसको ये नेसेसरी नहीं है बट मैं मेरे पास है तो ले जा रहा हूँ, लेकिन ये ऑक्सीमीटर नेसेसरी है। ओके तो जी बस आज की वीडियो में बस इतना सा ही, अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सभी लोगों तक ये हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके और सभी लोग मतलब अच्छे से तैयारी करके लद्दाख राइड पे या फिर स्पीति, लद्दाख, उत्तराखंड कहीं पे भी मोस्टली मैं ये सारी चीज़ें लेके ही जाता हूँ कोई भी राइड हो, लेकिन लद्दाख राइड के लिए तो अलग से प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है ना। तो जी आज की वीडियो में बस इतना सा, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करने के साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप सभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट आवारा राइडर।